भी अपने इंस्टाग्राम से किसी का चैट कुछ इस तरीके से गलती से डिलीट कर दिया था, और गैस कुछ आप उनसे पर्सनल चैट किए थे, और गैस उस चैट की आपको अब ज़रूरत है, लेकिन गैस आपके पास वो चैट नहीं है, और गैस आप उस चैट को रिकवर करना चाहते हैं, यानी कि वापस लाना चाहते हैं, और आप ला नहीं पा रहे हैं। तो आइए आज के वीडियो में आपको बताते हैं, अगर आप अपने इंस्टाग्राम से कोई चैट गलती से डिलीट कर दिया था तो आप उसे रिकवर कैसे कर सकते हो। तो चलते हैं अपने टाइम को वेस्ट किए करते हैं टू स्टार्ट, और आपको बताते हैं कि आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले तो गैस आपको करने जाए, सबसे पहले तो गैस आपको अपने फ़ोन में यहाँ पर इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाता है। होने के बाद गैस यहाँ पे देखेंगे नीचे आपके अकाउंट का प्रोफाइल देखने के लिए मिलेगा, तो सिंपली गैस यहाँ पे क्लिक कर देना है। एंड जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाता है। होने के बाद गैस यहाँ पे देखेंगे ऊपर तरफ में यहाँ पे आपको तीन लाइन देखने के लिए मिल रही है, जैसे मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन लाइन पे आपको क्लिक कर देना है। एंड जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। तो गैस यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा योर एक्टिव, तो सिंपली यहां पर क्लिक कर देना है। और जैसे गैस यहां पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाता है। होने के बाद गैस यहां पर नीचे आओगे, नीचे आने के बाद गैस यहां पर देखोगे एक ऑप्शन आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएगा डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन का, तो यहां पर क्लिक कर देना है। एंड जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाता है। होने के बाद गैस यहां पर देखेंगे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, जैसे मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूं, तो सिंपली यहां पर क्लिक कर देना है। एंड जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। तो गैस यहां पर आपको आपका इंस्टाग्राम ही यहां पर देखने के लिए मिलेगा, तो जैसे मेरा इंस्टाग्राम फेसबुक से लिंक है तो यहां पर दोनों दिखा रहा है, तो मुझे यहां पर इंस्टाग्राम का चैट निकालना है जो डिलीट हुआ है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, और आप भी इसी पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा, और जैसे इस पर क्लिक करिएगा तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। गैस यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा योर इन्फॉर्मेशन का, तो सिंपली यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। एंड जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। होने के बाद गैस यहाँ पे नीचे आओगे, एक ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा मैसेज का, तो मैसेज वाले ऑप्शन के जस्ट सामने वाले यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक कर देना है। और जैसे यहाँ पे क्लिक कर दोगे यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आएगा नेक्स्ट करने का, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करिएगा तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। होने के बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे नेक्स्ट का दोबारा से ऑप्शन आएगा, तो इस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। तो गैस यहाँ पे आपको जो डेट का आप चैट निकालना चाहते हो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, और जैसे इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे दिखा रहा है कि कितने दिन का आप चैट वापस लाना चाहते हो, यहाँ पे लास्ट वीक का कि यहाँ पे तीन महीने का, छः महीने का, एक साल का, तीन साल का, जितने साल का आप निकालना चाहते हो यहाँ पे आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे हम एक मंथ का निकालना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है सेव करने का, तो सेव वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इतना करने बाद गैस यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको एक अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे इंटर कर देनी है। इसी ईमेल आईडी पे आपको वो मेल कर देंगे जो आपका चैट होगा, इसी जीमेल अकाउंट पे आपको सेंड करेंगे। तो जैसे यहाँ पे मेरा एक जीमेल अकाउंट है, तो यहाँ पे हम उसे यहाँ पे ऐड कर देते हैं, और उसके बाद इसको हम यहाँ से सबमिट कर देंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे जीमेल अकाउंट ऐड किया, और जीमेल अकाउंट पे आपको सारे कुछ डिटेल दिया जाएगा। तो इतना करने के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं नीचे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट फाइल का, तो क्रिएट वाले फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और इतना करने के बाद गई तो गैस जो आप वहाँ पे डेट वहाँ पे इंटर किए होंगे, जितने महीने का आप उनका मैसेज निकालना चाहते हैं, रिकवर करना चाहते हैं मैसेज, तो वहाँ पे आपको उतना मैसेज आपके जीमेल अकाउंट पे वो सेंड कर देंगे। इतना करने के बाद गैस आपको 24 से 48 आवर्स का वेट करना है। अगर 24 से 48 आवर्स में नहीं होता है तो 2-3 दिन का वेट कर लेना है। तो गैस इस तरीके से आपका अगर गलती से मैसेज डिलीट किए थे और रिकवर आप कर सकते हो। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल बने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे वीडियो देखने और पाने के लिए। आज के सब में इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।